हेलो उदयपुर, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उदयपुर के अंदर अलग अलग क्षेत्र की जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और आपके फीडबैक लगातार हम YouTube पर देखते जा रहे हैं। कई सारे लोग इस कार्यक्रम की सराहना करते हैं और हमें इससे बेहद प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, आज जो हमारी चर्चा का विषय है, ओम बन्ना के जीवनी पर चर्चा। आप में से कई सारे इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो अगले आधे घंटे तक इस कार्यक्रम को छोड़ के ना जाएं। और फिर भी बदकिस्मती से अगर आप इस कार्यक्रम को मिस कर जाएं, नहीं देख पाए, तो आप नेक्स्ट डे YouTube पर इस कार्यक्रम को वापस जरूर से देखें। कुछ अच्छी जानकारियां, कुछ चमत्कारिक जानकारियां आपके साथ हम साझा करेंगे। शुरू करूं उससे पहले, आप आज हमारे साथ में खास मेहमान है आरपी सिंह आकवा साहब, जालोर की निवासी हैं आप, और 7 वर्ष पूर्व आप मेवाड़ में पढ़ने आए थे, और आपका जुड़ाव ओम बन्ना जी से आपके साथ कैसे हुआ, हम चर्चा के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपने उदयपुर में दूसरा मंदिर बनवाया था, और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सम्मान भी आपको मिला हुआ है। ऐसे तो कई सारे सम्मान मिले हुए हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री सम्मान से भी नवाजे गए हैं। शुरू करने से पहले मैं आरपी सिंह साहब, आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और जो लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा सा परिचय के साथ शुरुआत करता हूं। ओम बन्ना हुक्म का जन्म 5 मार्च 1964 को राजस्थान के पाली जिले में चोटीला गांव में हुआ। ठाकुर जोग सिंह जी के घर हुआ, और जोग सिंह जी पातावत राठौर ठिकाने के चोटीला गांव के ठाकुर साहब थे। आपकी माता का नाम स्वरूप कंवर था। ननिहाल गांगेसर झुंझुनू शेखावत परिवार में था आपका। आरपी सिंह साहब, मैं एक बार और आपका स्वागत करता हूं। पूरा उदयपुर आपको देख रहा है, उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस संक्षिप्त जीवनी ओम बन्ना साहब, क्योंकि आप 7 वर्ष से जुड़े हुए हैं, उससे पहले भी आप भक्त रहे हुए हैं और आज भी भक्त हैं, लोग बेहद प्रेम देते हैं आपको, और आप अच्छी खासी जानकारी रखते हो श्री ओम बन्ना साहब के बारे में। मैं चाहता हूं कि तमाम उदयपुर वासियों को आप ओम बन्ना साहब के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, माता जी के बारे में, उनके नामकरण, उनकी स्कूली शिक्षा, उनकी जीवनी और विवाह तक आप संक्षिप्त जानकारी सबके साथ साझा करें। जय श्री ओम बन्ना, जय श्री राम। मेवाड़ भूमि को प्रणाम करता हूँ। जन्मभूमि जालोर रही, परंतु कर्म भूमि मेवाड़ रही, और इस मेवाड़ भूमि को नमन, और आपके चैनल को भी धन्यवाद। आपने इस ओम बन्ना साह के जीवन को लेकर आज इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। ओम बन्ना हुक्म को आज पूरे भारत में विख्यात हैं। अब कहीं भी जाते हैं तो ओम बन्ना साह के नाम का, भजनों का, और वहाँ पर जागरण वगैरह कार्यक्रम होते हैं जी। सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो आज से चोटीला एक गाँव है पाली जिले के पास में, जहाँ पर 1964 में जी राठौर परिवार है पातावत कुल में, ठाकुर जोग सिंह जी हैं जो माता नागनी छा के परम भक्त हैं जी, उनके घर पर आप पुत्र रतन के रूप में जन्म लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जब जोग सिंह जी की कोई संतान नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने माता जी की साधना की, और उस साधना से 17 वर्ष बाद उनके घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई ओम सिंह राठौर के नाम से। जब उनका पंडितों ने नाम दिया था कि भाई इनका नाम ओम सिंह होगा, तब उनको अवगत कराया था कि ये व्यक्ति, ये बच्चा आगे जाकर भविष्य में इस कुल का, पातावत कुल का, चोटीला का नाम रोशन करेगा, और ये धार्मिकता में बहुत आगे बजाएगा जी। इस प्रकार से फिर वो बचपन से बड़े होते गए जी। और बड़े होने के बाद में उनकी जो स्कूली शिक्षा है, जो माता स्वरूप कंवर थे, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि बच्चा पढ़े जी। उस समय में आपने चौपासनी स्कूल है जोधपुर में, वहां पर आपने ओम बन्ना को पढ़ाया, और उसके बाद में ओम बन्ना सा स्कूली शिक्षा पूरी करके पाली आगे, जहां पर बांगड़ कॉलेज से आपने स्नातक की पूरी डिग्री की, और उसके बाद में जब जवान हुए तो वो पूरे 36 कौम के लिए, क्योंकि गांव में ठाकुर साहब के इकलौते लड़के थे, तो बहुत चाव था उनसे, और ठाकुर साहब उस समय सरपंच हुआ करते थे लगातार 40 वर्ष तक वो सरपंच रहे, तो सरपंच के बेटे थे, तो वो सब सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते थे, और सबसे बहुत लगाव था, प्रेम था। उसके बाद में बड़े हुए तो फिर आपकी सगाई हुई सांडे राव के पास में, एक राणावतों का बगड़ी ठिकाना है, बगड़ी ठिकाना के ठाकुर साहब अमर सिंह जी के पुत्री उर्मिला कंवर बाईसा से आपका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तब 10 मार्च 1988 को उस समय आपका विवाह वगैरह ये सब संपन्न हुआ जी। अच्छा आरपी सिंह जी, आप काफी करीबी से ओम बन्ना साहब को जानते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त उनके आगे परिवार, क्या उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, साथ में ये भी बताएं लोगों को कि आपका, ओम बन्ना साहब का देवलोक गमन कैसे हुआ जी। अब विवाह की बात की
तो 10 मार्च 1988 को विवाह हुआ, धूमधाम से संपन्न हुआ, शादी करके गांव आ गए। तो उसके करीबन 9 महीने बाद फिक्स 2 दिसंबर 1988 को जी बाबूजी, उस समय आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उस समय जो 80-90 का दशक था, जब व्यक्ति के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी तब वो मना शौकीन थे तो बुलेट रखते थे, उनको पिताजी ने गिफ्ट की थी कि भाई बुलेट शौकीन रखते थे जी। तो वो बुलेट लेकर आप 2 दिसंबर को पाली गए थे जी। और पाली से वापस आ रहे थे तो सामने एक ट्रक आ रही थी, तो उसकी फॉक्स लाइट उन पर पड़ गई, तो ओमना शाह ने सोचा कि भाई ये ट्रक निकल जाए तो फिर मैं आगे जाता हूं। तो फिर उन्होंने जैसे बाइक उतारी तो नीचे एक जाल का वृक्ष था, उससे टकरा कर उस समय गिर गए और उसी समय उनका देवलोक हो गया। मात्र शादी को 9 महीने हुए थे जी, जी। फिर उसके बाद में बहुत से चमत्कार हुए और पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको देवलोक गमन के बाद में मार्च में आपको जब ये पुत्र रत्न हुए, इनके एक बना हुए जिनका नाम महापराक्रम सिंह जी राठौड़ हैं जी। और उनकी भी स्कूली शिक्षा जोधपुर से हुई है, कॉलेज की शिक्षा भी जोधपुर से हुई। अब सब ओमनासा का, जो ओमनासा यहाँ छोड़ कर गए, उसको वो विरासत को आगे लेके जा रहे हैं। सभी धार्मिक कार्यों में वो भी वैसे ही हैं जैसे इनके पिताजी हुए करते थे। अभी वो ठाकुर साहब की पदवी पर नवाजे गए हैं और वो भी समाज के लिए वही कार्य कर रहे हैं जो ओमनासा किया करते थे, उनके सपनों को वो आज पूरा कर रहे हैं जी। धन्यवाद साहब। देखिए साथियों, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी चर्चा का विषय है श्री ओम मना के जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ में आरपी सिंह जी आकवा साहब हैं। आरपी सिंह जी, मैं और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि काफ़ी चमत्कार सुने हैं ओम मना के बारे में, तो ओम मना साहब बचपन से ही चमत्कारिक थे या उनके देवलोक गमन के बाद ये सामने आए, कुछ और अगर आप चर्चा विस्तृत में बता सकें जी। ऐसा है, देखिए कि जब बाबूजी का देवलोक हो गया उसके बाद में बुलेट का जो चमत्कार हुआ, अब सब समझते हैं कि उसी दिन से चमत्कार शुरू हुए हमारे जीवन में। बाबूजी के लिए जो भक्ति है उससे हमने जगह जगह गए, जगह जगह लोगों ने हमको बताया और हमने, आज तो सोशल मीडिया बहुत चलता है, सोशल मीडिया पे पेज वगैरह है, उनसे लोगों को अवगत कराया कि किसी के पास में भी उमना से की कोई भी जानकारी हो तो हमें शेयर करें जी। तो बहुत से बताते हैं। तो जो एक किस्सा आपको बचपन का मैं आपके बीच में इस उदयपुर के हेलो चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगा कि चौपासनी स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो आप थोड़े नटखट हुआ करते थे क्योंकि दादी साहब बहुत लाडले थे और अकेले पुत्र थे जी। तो बहुत लाडले हुआ करते थे। तो वहां वो पढ़ रहे थे तो एक दिन उनके गणित का मैथ्स का क्लास था तो उन्हें पढ़ना कुछ के आज तो बंक मार देते हैं या बाहर चले जाते हैं, ऐसा सोचकर वो अपने हॉस्टल आ गए, हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल आकर सो गए जी। तो इतने में किसी में कोई क्लास था, कोई उनका मित्र होगा, उसने जाके क्लास टीचर को शिकायत कर दी कि ओम मना तो अपने क्लास बंक मार कर चले गए जी। तो फिर वहां से एक चपरासी को भेजा गया कि वाकई में ओम मना चले गए क्या हॉस्टल। तो उसने जाकर देखा वहां पर कि भाई ओम मना तो हॉस्टल में सो रहे हैं। तो फिर क्लास टीचर आए और अटेंडेंस के लेते हैं भाई कितने स्टूडेंट क्लास में है। तो जैसे अल्फाबेट उन्होंने अटेंडेंस लेना शुरू किया तो जैसे ही उनका नाम आया, भाई शुरुआत में जैसे आता है तो ओ पे आता है तो अ से शुरू होते थे, जैसे आया कि ओम सिंह राठौड़ तो पीछे से उन्होंने कहा कि प्रेजेंट सर। तो उस समय जो जिस लड़के ने शिकायत की थी उसको और जो चपरासी देखने गया था उनके मन में जो एक अपन कह सकते हैं उनके मन में ऐसा हुआ कि वाकई में एक चमत्कार की 5 मिनट पहले उनको हॉस्टल में देखा और 5 मिनट के बाद वहां पर पाया जी। और एक जल जुलनी 11 आती है जी। जिस पर क्या गांव में जो बहने हैं बेटियां हैं वो झूलने जाती है, महिलाओं का त्योहार होता है, तो उसमें बना कृष्ण के रूप में लाडले छोटे थे तो इनको झुलाने भी ले जाया करते थे। तो बताते हैं कि जब उनको झूला देते थे तो खुद हवा उनको अपने झोंके से ऊपर तक ले जाती थी और उनकी पायल बंधी हुई थी उसकी छनकार इतनी बजती थी कि आसपास माहौल एक भक्तिमय और इतना हो जाता था कि उनसे अपार प्रेम लग जाता। ये बचपन से भी चमत्कारिक जीवन रहा है जी। जी अच्छा आरपी सिंह जी, मेरे दिमाग में और भी कई सारे सवाल है। मैं कुछ जानकारी रखता था ओम मना साहब के बारे में लेकिन आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद मुझे भी जो जानकारी मिल रही है और उदयपुर वासियों को जो जानकारी मिल रही वो बेहद ज्यादा होगी, गहराई से होगी। देवलोक गमन के तुरंत बाद जो बाइक का वाक्या है, जो बुलेट का वाक्या है, उसके बाद जो चमत्कार हुए उसको आप थोड़ा सा अगर डिटेल में समझा सकें क्योंकि जो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, कई बार नहीं जानते हैं, वो उनको भी जानकारी मिल पाए जी। देखिए जैसे 2 दिसंबर 1988 को बाबूजी देवलोक गमन हो गए इस वाहन दुर्घटना में जी। तो गांव में जाकर जोग सिंह जी ठाकुर साहब गांव में ही थे जी। तो किसी व्यक्ति ने वहां पर सूचना पहुंचाई कि भाई उनका दुर्घटना हो गई है, उनका देहांत हो गया ऐसा।
तो एक बार तो उन्हें लगा कि भाई वो गिर गए हैं, ऐसा कुछ छोटा मोटा हुआ होगा, तो उन्होंने व्यक्तियों को भेजा और फिर जब पता पड़ा कि उनका देवलोक हो गया है तो फिर पुलिस कार्रवाई होती है जी। उसके अंतर्गत अब रोहट थाना हो गया है, पहले करेला थाना हुआ करता था, वहां पर चौकी हुआ करती, तो वहां से पुलिस वाले वहां पर आए, पुलिस और जो भी अफसर वगैरह थे वो आकर मौका मुआयना करा और उस गाड़ी को लेकर घर चले गए। बावजूद के उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्योंकि ठाकुर साहब का वहां इतना दबदबा था कि उनके पुत्र थे तो सब गांव वालों का प्रेम था उनसे, तो कहा गया कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, उनके शव को चोटीला ले आया और बुलेट को वहां रख दिया। जैसे आपने अभी पूरे भारतवर्ष में जाएं और उमना का यदि कहते हैं कि उमना का चमत्कार कौन है तो हर मुख की जबानी होता है कि बुलेट वाला, तो वो इसी प्रकार हुआ था कि रात को उस समय जैसे वहां पर पुलिस वाले वगैरह सो गए होंगे तो रात को वहां से वो बाइक बुलेट 777 वहां से शुरू हो गई, मतलब वहां से वहां आ गई जहां पर दुर्घटना हुई थी जी। तो सुबह फिर पुलिस वालों को पता पड़ा कि भाई गाड़ी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि कोई ले गया होगा, उनसे अति लगाव होगा तो थाने से ले गया होगा, तो फिर एक पुलिस वाले को चोटीला भेजा गया। तो ठाकुर साहब को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि मेरा तो पुत्र गया है, मैं ये कार्य तो कर ही नहीं सकता, और फिर उनके आंसू आ गए। तो फिर पुलिस वालों ने भी वहां से घर को आ गए और फिर वहां जाकर पुलिस वाले घर से वहां आकर देखा कि जहां दुर्घटना हुई थी वहां पर गाड़ी पड़ी थी, तो फिर पुलिस वालों ने सोचा किसी की कोई नाटक भी हो सकता है या किसी ने कोई बदमाशी की हो, तो फिर उस बुलेट को ले जाकर वापस थाने में रख दिया। जब थाने में रखा तो रात को फिर वही वाक्य हो गया, वहां से बुलेट को वहां पर पाया जहां पर उनकी दुर्घटना हुई थी, और उसके बाद में जो वो लोगों में पहुंच गया कि वाकई में मोमनासा की जो आत्मा थी और जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई है वो उस बुलेट में आ चुकी है और बुलेट अपने आप चल रही है, और ये कई न्यूज चैनल ने, आपका न्यूज चैनल है इसने भी पहले बता रखा है और बहुत फिर मीडिया ने इसको बताया जी जी जी। तो सर इसके बाद आरपी सिंह जी, उसके बाद जब ये घटना हुई और ये चमत्कार हुए, उसके बाद और सिलसिला कैसे आगे बढ़ा, कैसे मंदिर की स्थापना हुई, कैसे लोगों की और आस्था बढ़ी, आप थोड़ा और बताएं। जैसे ये बुलेट का वाक्या हुआ जी, इसके बाद में लोगों में आस्था तो शुरू हो गई कि एक ऐसा वहां पर एक ऐसा हो गया है कि चमत्कार, जहां से बुलेट अपने आप चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो फिर ये वाक्या बहुत, उस समय बहुत मीडिया नहीं था उस समय 88 में, पर बातों बातों से जी बहुत फैल गया। एक मारवाड़ी, अब मेवाड़ में हूँ, मारवाड़ी का वर्ड को आपके बीच में रख रहा हूँ, हमारे वहां कहा जाता है कि दो चौसाला से भला दोताला, यानी जो सोच यानी पक्षी बोलते हैं उनसे उनसे भी ज्यादा बोल सकता है व्यक्ति, यदि दांत से बात बात निकल रही है कि ये हो गया ये हो गया, तो वो ज्यादा फैलता है जी। तो वैसे ही वो फैलता फैलता सब जगह फैल गया। तो फिर क्या हुआ कि उनके दादीसा के प्रिय बहुत थे, तो दादीसा के सपने में आए मोमनासा, उन्होंने कहा कि दादीसा हुक्म, इस दुनिया का से मैं शरीर को तो छोड़कर चला गया हूं, परंतु मैं आपके बीच ही हूं, मेरे कुछ सपने हैं, कुछ लक्ष्य हैं, उनको पूरा करना है, और जो क्योंकि उसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जोधपुर से लेके पाली के बीच में उस रोड पर अनगिनत एक्सीडेंट होते थे और कई मौतें हो जाती थी, कि इस जगह पर मौतें बहुत होती है, तो आगे आने वाले कोई माँ नहीं रोवे, कोई पत्नी नहीं रोवे, कोई बेटी दुखी नहीं हो, ऐसा करके कोई बाप नहीं रोए, ऐसा करके वो मेरा ये है, और जो यहाँ पर आएगा उसकी मन्नतें पूरी करूंगा, तो आप मेरी एक धाम बनवाइए, यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाइए, बुलेट को वहीं रखिए, जोत जलाइए। तो फिर दादीसा ने सुबह ठाकुर साहब को बताया, तो ठाकुर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्वज होते हैं वो अपने घर पर खेत में या अपने स्थल पर बैठते हैं, कोई कांकड़ पर या सड़क पर जाकर जहां पर स्थान नहीं बनाया जाता, लोगों की भी कई बातें होगी। फिर उसके बाद में जब स्थापना दूसरी बार भी एक बार चमत्कार हुआ, उस चमत्कार को देखकर फिर वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ और जोत जगाई गई, जोत ये प्रण लेकर जलाई गई कि आज से लेकर ये 2400 घंटे जलती रहेगी, क्योंकि जो वहां आकर मन्नत मांगे उसकी जोत के साथ में वो मन्नत पूरी हो। बुलेट को वहां पर रखा, फिर गाड़ियों वालों की बहुत आस्थाएं होने लगी जी, जी। तो धीरे धीरे ये कारवा 2006 तक आया। 2006 के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जी। 2006 के बाद में लोगों के में एक ऐसी आस्था जग गई कि उनके लॉकेट पहनने लगे, उनकी भजन गाने लगे, उनके जगराते शुरू हो गए, फिर मीडिया वाला ने खूब उसको प्रचारित किया, विदेशों तक ये गया जी। तो उस समय जब ये प्रथम मंदिर हुआ करता था तो लोगों में ये भी था कि आज हमारे देव हैं, जैसे रामदेव जी बाबा हैं जिनके हर जगह मंदिर होते हैं, बाबू जी के हैं, गोगो जी के हैं, और मेवाड़ में लोक देवता जी कल्ला जी के मंदिर बनते हैं, सगत जी बाबूजी के मंदिर बनते हैं, तो ऐसी सबकी इच्छाएं जागृत होने लगी और हमारे जीवन में बाबूजी का भक्त बनके
साधना करके शुरू किया जी। तो हमारे मन में एक हार्दिक इच्छा जग गई कि हमें भी एक मंदिर का निर्माण करवाना है, सेवा करना है, क्योंकि चोटिला तो उदयपुर रहते थे तो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, तो जाया नहीं जा सकता और यहाँ से कई भक्त ऐसे वहां नहीं जा सकते जी जी। तो एक डर था कि लोक देवता पूर्वज जी है, इनको बिठाए तो कुछ हानि वगैरह क्या रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर हमने बाबूजी को सपने के रूप में पधारे और उसके बाद में यहाँ निर्माण कराया मंदिर का 5 वर्ष पूर्व। इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा और खुशी भी है कि राजस्थान में 25 जगह पर बाबूजी की स्थापना हुई है। हर जगह मंदिर पर वैसी पूजा होती है जैसे पाठ स्थान पर होती है। अच्छा सर, मैं एक आरपी सिंह जी साहब, मैं बीच में एक काट के आपको एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि ऐसे और क्या क्या चमत्कार हुए जिसकी वजह से, मैंने सुना है कि करीब करीब 24-25 मंदिर अभी बन चुके हैं ओम भन्ना साहब के, तो ऐसे और क्या चमत्कार हुए कि ऐसा क्या हुआ कि जगह जगह ये मंदिर का निर्माण होने लगा जी? प्रथम तो मंदिर जो पाठ स्थान चोटिला में है जी, इसके बाद में बलीचा उदयपुर मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ पहले गौरवशाली रहा है, इसका अतीत तो पूरे राजस्थान में है जी। और वही हमें मन में होता है कि महाराणा प्रताप की भूमि की वही एक कारण रहा होगा कि ओम मनासा का भी यहाँ पर धाम बने और यहाँ पर धाम बना जी उदयपुर में। इसके बाद में जैसे भक्तों की कोई इच्छा पूर्ण हुई, किसी को पुत्र रत्न हुआ तो उन्होंने मंदिर बनवाया जी, कोई गांव की इच्छा जागी तो उन्होंने मंदिर बनवाया जी, मन की हार्दिक इच्छा जगती गई, हर जगह मंदिर बने। आज राजस्थान में किसी कोने में जाते हैं तो 25 और बहुत से मंदिर बनने वाले हैं भविष्य में जी, और यहाँ ही नहीं बाहर में भी, राजस्थान से बाहर में भी भक्तों का खूब है, क्योंकि आज कलयुग है और कलयुग के क्षेत्र में जो भी साधना करता है या भक्ति करता है उसको तुरंत चमत्कार चाहिए जी। और आज ये हो रहा है कि बाबूजी तुरंत चमत्कार देते हैं और वो उनके पीछे पीछे चलते हैं जी जी। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग इस कार्यक्रम से अभी भी जुड़े हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे कार्यक्रम का जो विषय है ओम भन्ना साहब के जीवन पर चर्चा, उनकी जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे मेहमान हैं आरपी सिंह आकवा साहब। आरपी सिंह जी, आपने उदयपुर में जो मंदिर निर्माण करवाया, ऐसा कह सकता हूँ कि शुरू में कई सारी परेशानी आई होगी, बलीचा में जो आपने मंदिर बनवाया उसके बारे में थोड़ा और समस्याओं के बारे में और उसके बनाने से लेके अंतिम सफलता के मुकाम तक पहुंचने के तक और कुछ विस्तृत जानकारी अगर आप दे पाए जी। जब उदयपुर पढ़ने के उद्देश्य से आया था, मैं बहुत एक सामान्य परिवार से आता हूँ जी, तो यहाँ उदयपुर में आने के लिए आज से 7 वर्ष पूर्व एक रूम लेकर रहते थे जी, और कुछ मित्र हुआ करते थे, हम सब ओम मना के भक्त हुआ करते जी जी। तो हार्दिक इच्छा हुई कि ओम मनासा का यहाँ उदयपुर में एक कार्यक्रम कराएं, छोटा कराएं पर एक कार्यक्रम जरूरी करवाएं जी। तो फिर 4-5 मित्रों ने कहा कि करवाएं, तो फिर हमने भाई उसके लिए बजट चाहिए, पैसा धन चाहिए और जहाँ लोगों को कैसे पता पड़ेगा कार्यक्रम हो रहा है जी। तो फिर हमारे हार्दिक इच्छा से उस रात को जब ही हमने विचार किया, उस रात को बाबूजी का सपने में पदार्पण हुआ जी। और बाबूजी ने, हमने बाबूजी से मांगा कि हमें कोई जानता नहीं है बाबूजी को जी, और ना ही हमारे पास धन है कि हम कार्यक्रम करवा सके। तो फिर उस समय बाबूजी ने उस सपने में कहा था कि आज के बाद में पहचान तो होती जाएगी और कभी भी ओम मनासा के नाम के कार्यक्रम में आपको धन की कमी नहीं पड़ेगी। और सुबह जब हुई इस सपने को लेकर, तो मैंने मेरे माता जी को भी बताया, तो माता जी ने कहा कि जो हम दिन में सोचते हैं विचार करते हैं वो सपना आता है जी, पर हमें लग गया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुना था कि उनके दादी साहब को सपना आया, तो यदि आज यदि सपने का हमने निष्कासन कर दिया तो जीवन में पता नहीं हम बहुत पीछे चले जाएं जी। और प्रोग्राम कराया, प्रोग्राम सफल रहा जी। उसके बाद में यहाँ पर जमीन मिली और जमीन पर मंदिर निर्माण करवाया जी। तो मंदिर निर्माण करवाया उसके बाद में ऐसा कोई विशेष चमत्कार नहीं हुआ, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि बलीचा में जो मंदिर है वहां पर पत्थर रखे हुए थे जी। कोई लोग थे ऐसे आदमखोर जैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो पत्थर को अपने ट्रैक्टर में भर दिया जी। और ले जाने लगे जी। तो उस समय मैं उस समय विद्यार्थी था और मेरा उसी दिन संयोग से एग्जाम था जी। तो मुझे किसी ने कॉल किया कि भाई ये पत्थर लेके जा रहे हैं, आप आओ और इनको रोको। तो उसी समय मेरा कॉलेज का एग्जाम था, तो मैंने बाबूजी से अरदास की कि बाबूजी यदि आज आपने कोई चमत्कार नहीं किया तो वाकई में इस मेवाड़ में जो भक्तों की आस्था है वो उस पर सवाल उठ जाएगा। और मैं तो एग्जाम देने के लिए चला गया और आकर जो सुनता हूँ वो आज आपके बीच में लाने के योग्य है, क्योंकि उस समय सुना कि किसी ने उनका ट्रैक्टर रुकवाया
और ट्रैक्टर में जो ट्रॉली थी उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फट गया और फिर उस वहां रुकना पड़ा, ट्रैक्टर आगे जा नहीं रहा। फिर उसने किसी ट्रैक्टर वाले को बुलाया कि भाई ये पत्थर है, अपन ले जाते हैं और बेच देते हैं। तो उसने कहा कि कहां से लाए, तो क्या एक उम्मना करके मंदिर बना है वहां पर पड़े थे और वहां कोई ध्यान रखता नहीं है। तो उसने बताया कि वो, क्योंकि वो भक्त पैदल रामदेवरा जाता, तो उसने कहा कि चोटिला बीच में आता है और बहुत चमत्कारी देव है ये, और ये चोरी की इसीलिए ये नुकसान हुआ। तो फिर उसको उस चीज का आभास हुआ और उसने फिर वहां जाकर वापस पत्थर और चार टोली और पत्थर डाले माफी के रूप में, और ये चमत्कार आपकी मीडिया ने भी बताया और इससे फिर बहुत फैला हुआ और बहुत भक्त जुड़ते चले गए। जी जी जी, धन्यवाद आरपी सिंह साहब। काफी चमत्कारी घटनाएं हुई हैं। आखिरी में जाते जाते मेरे पास कुछ और सवाल हैं। अष्टमी पूजन को काफी महत्व दिया जाता है, इसकी विधि और थोड़ा इसके बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी दें। देखिए, सभी भक्तों को भी बताना चाहेंगे कि ओम मनासा का जन्म अष्टमी के दिन ही हुआ है और देवलोक गमन वो भी अष्टमी के दिन ही हुआ है, और संयोग से अभी माताजी स्वरूप कंवर का 23 सितंबर को देहांत हुआ था वो भी अष्टमी के दिन हुआ जी। और अभी ओम मनासा के पिताजी ठाकुर जोग सिंह का 22 दिसंबर को निधन हुआ, वो नवमी के दिन हुआ है। अष्टमी जो राजपूत कुल है उसमें माँ दुर्गा का, माँ नागनीचा का, माँ आशापुर का दिन माना जाता है, और अष्टमी दुर्गा अष्टमी होती है इसलिए ये अष्टमी का बड़ा महत्व रहता जी, है जी। और एक आपको आपके प्रश्न के ऊपर जाता हूँ, एक बात रखना चाहूंगा कि जोग सिंह जी जो ठाकुर साहब है वो कुलदेवी माँ के परम भक्त थे और वो नवरात्र में बड़ी साधना करते थे, और नागनीचा माँ जो राठौड़ कुलदेवी है नागाना कल्याणपुर बाड़पेर में स्थान है वहां की पूजा करते थे और उन्हीं की देन ही ओम मना का जन्म हुआ था। तो ये अष्टमी प्रमुख थी, परंतु पहले अष्टमी पूजन का इतना महत्व तो नहीं रहा था, 2006-7-8 ऐसा नहीं रहा। जब बलीचा में मंदिर बना ऐसे तो सबको विदित था कि अष्टमी दिन बाबूजी का होता है जी। पर उस समय नहीं हुआ करता था। तो बलीचा में जब मंदिर बना तो हमारी जो भक्ति थी बाबूजी के लिए तो हम अष्टमी के दिन विशेष पूजन रखते थे, उसमें जोत होता था, बाबूजी का श्रृंगार होता था, बाबूजी को दुग्धाभिषेक होता था, बाबूजी को तलवार भोग धराया जाता था और फिर उस जोत के साथ में साधना होती थी, और वो जोत की साधना के साथ में भक्तों का निवारण, समस्याओं का निवारण शुरू हो गया, और उससे फिर वो अष्टमी का जो त्यौहार है। और बलीचा धाम इस मेवाड़ में राजस्थान में और आपके बीच में प्रमुखतः इस अष्टमी की वजह से ही सामने आया, और सबसे बड़ा क्योंकि अष्टमी की देन है कि सभी भक्तों के आज निवारण हो रहे हैं और अब अष्टमी से भक्त जुड़ रहे हैं। अष्टमी का दिन लोग पालते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रमुख दिन अष्टमी ही ओम मना का। अच्छा जी, अब एक और अभी आपकी बात में से एक सवाल मैंने सोचा है, आपने कहा कि भक्तों की समस्या का समाधान निवारण भी होता है, तो क्या ओम मना साहब जैसे अन्य देवी देवताओं का हम अक्सर सुनते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं कि शरीर में आते हैं, है ना, चौकी होती है, तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम है या कुछ अलग है इसमें? जी, राजस्थान में लोक देवता बहुत हुए जी और उनके बहुत से मंदिर है और उनके सेवक होते हैं, कहीं पर भोपा जी कहते हैं, तो उनके शरीर में पदार्थ हैं, जैसे लोक देवता में आप कला जी ले लो, सगे जी बाबू जी ले लो, गोगो जी ले लो, पाबू जी ले लो, हड़बू जी, तो ये आते हैं और भक्तों का समस्या निवारण करते हैं। पर ओम मनासा का इससे थोड़ा सा अलग है। ओम मनासा की साधना होती है किसी के, हमारा जो मानना है कि शरीर में बाबू जी किसी के नहीं पदार्थ हैं, क्योंकि बाबू जी का जो रूप है और जो उनकी आत्मा है और जो देवी रूप है वो ज्योत में समाहित है जो चोटिला में चलती है 2400 घंटे, और वहां से जहां जहां मंदिर बने हैं जैसे बलीचा हुआ, चौटन हुआ, राजस्थान के 25 जगह पर ये मंदिर बने हुए उसमें है, और प्रमुख तो उनका जो जीव है वो उस बुलेट में है। तो बाबूजी की जो किसी के शरीर में पधारना ये अभी तक हमारे सामने आया नहीं है और हो नहीं सकता। हाँ, अब जैसे आप साधना ओम मनासा के कई भक्त हैं और बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, और जब भक्त जोत के साथ में बैठकर बाबूजी की साधना करता है, बाबूजी की पूजा करता है, भक्ति करता है, अष्टमी के दिन उनका प्रबल होता है, इष्ट प्रबल होता है, जोत के साथ लगाव होता है, जोत से इतनी आस्था हो जाती है कि उसके आसपास का वातावरण नहीं दिखता, भले पास में कुछ भी क्रियावृत्ति हो रही है, उस समय उस भक्त का बाबूजी से सीधा जुड़ाव हो जाता है। अच्छा। और बाबूजी जो उनके मन में प्रश्न है, जो उनको दुविधा है, वो बाबूजी अपने आप रास्ता बताते हैं, उस साधना के माध्यम से बताते हैं, और आज तक शरीर में पधार कर कोई भक्तों का निवारण का आज तक देखा नहीं गया और होता नहीं। ये हमारी साधना का महत्व है कि हमने जितना साधना में जाना है ऐसा होता नहीं है जी। एक और सवाल
कई सारे व्यक्ति घर पर भी पूजा साधना करते हैं, तो उसकी सही विधि घर पे पूजा कैसे करते हैं लोग और कैसे करनी चाहिए, क्योंकि कई बार अपने हिसाब से लोग शुरू करते हैं, कई बार उसमें गलतियां भी रहती हैं, तो उसके बारे में भी अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी दे पाएं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि आज युवा हैं जितने भी ओमनासा के भक्त हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी हमें कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न जरूर पूछते हैं। सभी भक्तों को बताना चाहेंगे कि यदि आप घर में घर पर ओमनासा की पूजा करते हैं, तो सर्वप्रथम आप ओमनासा का तस्वीर लाते हैं, उनका फोटो छायाचित्र लाते हैं, तो एक खाली ताक में रखें, ताक अलमारी के दें, वहां पर उसका दरवाजा वरवाजा नहीं हो, खाली हो, उसमें आप रख सकते हैं। नीचे व्हाइट कपड़ा रखें, 1.25 मीटर का ले लें, लाल कपड़ा लें 1.25 मीटर का, उनको नीचे व्यवस्थित रख कर फिर आप उनका तिलक कर और फिर उनको आप माल्यार्पण करके कर सकते हैं। पास में कोई भी अन्य, जैसे सभी भगवान देवी तुल्य, पर वहां पर यदि आप, क्योंकि भूमिया जी हुए, पूर्वज हुए हैं और इनकी एक अलग शक्ति का प्रदार्पण हुआ इस कलयुग में, तो उनका आप अकेले उनका छायाचित्र रखकर और उसके बाद में आप उनको यदि दीपक करते हैं तो उनको घी का ही करें। दीपक ओमनासा को घी का किया जाता है, कपूर और गोला होते हैं, उसकी जोत की जाती है, ये बहुत मान्य है और ओमनासा को ये प्रिय भी है, और इसी जोत से आपको और शक्ति का आवास होता है। तो गो जो है कपूर और गोले की जोत होती है और उसमें फिर घी की आहुति होती है, और जैसे इत्र भी चढ़ा सकते हैं ओमनासा को, और इनको यदि प्रमुखत अष्टमी के दिन जो भोग चढ़ा जाता है, मीठा चूरमा होता है, रोटी गुड़ और घी से बनता है, ये चूरमा का प्रमुख भोग होता है, और यदि प्रसादी करते हैं तो आप प्रसादी में जैसे अन्य है तो एक बार पीले चावल अवश्य करें, क्योंकि पीले चावल का बहुत महत्व है, ओमनासा को चढ़ाया जाता है और वही प्रसादी के रूप में बांटा जाता है। अष्टमी के दिन यदि आप पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम आपको आप नहा लीजिए, नहा लेने के बाद में आप ऐसा कोई भी कपड़ा न पहनिए जिस पर सुई से किया हो और सुई से उसको पूरा पिरव रखा हो आप ऐसा, और जोत के सामने बैठिए, जोत प्रारंभ कीजिए, दुग्धाभिषेक तो मंदिरों में होता है, घर पर तो आप बस गंगा जल का छिड़काव कीजिए, उसके बाद में जोत के साथ में आप सर्वप्रथम जोत प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद में बाबूजी को तिलक कीजिए, बाबूजी को माल्यार्पण कीजिए, उसके बाद में बाबूजी को भोग चढ़ाइए और जो भी आपकी श्रद्धा हो वो चढ़ाइए, और उसके बाद में आप उनकी भक्ति में लीन हो जाइए और आपको जो प्रतिरूप बाबूजी का मिलना है वो अवश्य मिलेगा। धन्यवाद आरपी साहब आपको जानकारी के लिए। एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपको मैं जब भी देखता हूँ काले वस्त्रों में ही देखता हूँ, तो इसका कोई स्पेसिफिक महत्व है या फिर ये आपकी इच्छा है, श्रद्धा है? जी देखिए, ऐसा है कि काले कपड़ों को भड़काऊ भी माना जाता है और नेगेटिव में लिया जाता है, क्योंकि कोई भी काले कपड़े पहनता नहीं है जी, और अधिकतर पूजाओं में भी काले कपड़े वैध होते हैं जी, जैसा सब भक्त भी पूछते हैं कि आप काले कपड़े क्यों पहनते हैं, और आपका भी ये प्रश्न है, तो आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जी कि हमारे गुरुजी हैं जब बाबूजी की इष्ट साधना शुरू की, कि आज जैसे हमारे मित्र हैं जो कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, गांव के हैं, उनको हमारा नाम पता है और बाकी दुनिया के लिए आरपी सिंह नाम से सब पहचानते हैं, तो आरपी सिंह नाम भी गुरुजी ने दिया था, और उन्होंने जो पहनने के लिए कहा था, हम सर्वप्रथम काला कपड़ा पहनने के लिए कहा था, तो उस समय हमें बहुत अजीब लगता था, काला कपड़ा पहनना मतलब एक शर्म से आ जाती, कैसे लोगों के सामने जाएंगे, पर जब जब उस शक्ति का आभास हुआ तब हमें ये बहुत प्रिय लगने लगे और बहुत हद ज्यादा तक प्रिय लगने लग गया। इसमें काले कपड़े का ऐसा है कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि जहां भी जाओ जी, जहां भी आप भक्त के घर गए, भक्त हमें आशा से बुलाता है कि उन्हें लगता है कि आएंगे तो कुछ बाबू जी की असीम कृपा से अच्छा होगा, ओमनासा की तो सेवक के रूप में हमें जो प्यार देते हैं, तो वहां की नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वो इस काले कपड़े में समाहित हो जाती है, और जब हम आठम पर, क्योंकि राजस्थान में कहीं पर भी हो परंतु आठम के दिन बलीचा धाम पर ओमनासा की ही पूजा करते हैं, तो वहां आते हैं तो जब वो जोत प्रज्वलित होती है तो जितनी भी नेगेटिविटी चीजें होती है, नकारात्मक चीजें होती है, वो उसमें समाहित हो जाती है, और हमारा, हमारे भक्तों का, आसपास सभी का उसके द्वारा अच्छा प्रभाव शुरू हो जाता है। और दूसरा कि जैसे हम भैरू जी, सोनाना खेतला जी हैं जी। पाली देसूरी नाल से नीचे उतर बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, उनकी भी साधना है, तो उनकी उपासक के रूप में भी इन कालों कपड़ों का उस पूजा में
लिया जाता है जी, जी। और ये एक शक्ति प्रदान करते हैं इस दुनिया से हिम्मत लड़ने के लिए, क्योंकि आज कलयुग है और कलयुग में हर चीज को देखकर चलना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छी जानकारी आपने, हम स्कूल में पढ़ा करते थे काला कलर अब्सॉर्ब करता है, आप ये एक अच्छा संदेश है। अच्छा, मैं अब आखिरी में आते हुए एक दो सवाल और पूछूंगा, फिर इसको समाप्त करेंगे, कि आपका जो ट्रस्ट बना हुआ है जो पूरे कार्यक्रम को मैनेज करता है, कई सारी भजन संध्या भी होती रहती है, आपके आने वाले समय में आपके और आपके ट्रस्ट के क्या क्या लक्ष्य हैं, भविष्य के लक्ष्य के बारे में अगर आप संक्षिप्त में जानकारी दे पाएं। जी, उमना सेवा संस्थान निर्माण जब ये हुआ था, इसके बाद में संस्थान ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया जी। और अब जगह जगह राजस्थान में करीबन 55 से 60 जगह कार्यक्रम किए हैं और जाने का मौका मिला है जी। और अभी अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में भी कार्यक्रम हुआ, विजयवाड़ा में उमनासा का, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं और हमें, हमारा प्रमुख लक्ष्य है, यदि जीवन में वो पूरा हो गया तो बाबूजी का सब कुछ मिल जाएगा जी। लोक देवता घोषित किया जाए उमनासा को। अभी 25 मंदिर बन गए हैं और बहुत जल्दी 50 और 100 तक भी मंदिर बनेंगे, क्योंकि आस्था जाग रही है और जगह जगह जाग रही है जी। आज इतने नाम से हो रहे हैं, उमनासा लोक देवता घोषित हो, उमनासा के नाम से राजस्थान पाठ्यक्रम है इसमें इनके नाम से पाठ हो, बच्चे याद करें इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके क्या चमत्कार थे, क्या किस प्रकार ये भगवान हुए, फिर जितने भी राजस्थानी मेले होते हैं उनका नाम उनके नाम से शुरू हो जाएगा जब वो लोक देवता घोषित होंगे। जैसे बाबा रामदेव जी हैं, गोगो जी हैं, तेजा जी हैं, ये लोक देवता घोषित हो गए तो इनका होने लगा, और ये होगा बहुत जल्दी समय में, सरकार को भी लग रहा है और सरकार हमारे भी कोशिश है कि हम आगे तक पहुंचावे। और जिस दिन बाबूजी लोक देवता घोषित हो जाए, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और बाकी एक हार्दिक इच्छा है कि जो पाठ स्थान है चोटिला, वहां पर एक उमनासा के नाम का भव्य म्यूजियम बने, जिसमें उमनासा ने जो वस्तुएं अपने काम में ली है या उनके द्वारा रखी गई है या उनकी पूरी जानकारी, भक्त एक बार वहां जाए, जैसा बहुत खुशी है कि मेवाड़ में ऐसे कई म्यूजियम बने हुए हैं, जैसे मेवाड़ गौरव अभी केंद्र बना हुआ है और हल्दी घाटी में पूरे युद्ध का बताया गया, कैसे युद्ध लड़ा, तो सब एक बार में समझ जाते हैं, उनके सामने सब छायाचित्र होता है उससे समझ जाता है। आजकल क्या है, टीवी स्टोरी होनी चाहिए, पढ़कर इतना नहीं जितना देख के समझ जाता है, तो वैसा जब वहां पर म्यूजियम बनेगा तो बहुत ही भक्तों के मन में वो खुशी देगा और उनको बिल्कुल बच्चों को बताते हुए खुशी होगी जब ये बाबूजी लोक देवता हो जाएंगे तो सब लक्ष्य पूर्ण हो जाएंगे जी। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि ये जो सपना है आपका जरूर पूरा होगा। अब आखिरी क्षण में चलते चलते मैं और आपसे कुछ जानना चाहूँगा। दोस्तों, आज हमारे साथ जो इस खास कार्यक्रम ओम मन्ना जी की जीवनी पर चर्चा पर आज चर्चा के मेहमान थे आरपी सिंह आकवा साहब। आखिरी में चलते चलते मैं आपसे और कोई संदेश आप उदयपुर वासियों को, तमाम देशवासियों को देना चाहें, साथ में हम इस कार्यक्रम के माध्यम को अलग अलग जानकारी प्रस्तुत करते हैं उदयपुर वासियों को, उसके बारे में भी आपके कुछ फीडबैक हो तो आप जरूर प्रदान करें जी। उदयपुर चैनल है और इनका ये जो है हेलो कार्यक्रम है, बहुत आपका जब ये कार्यक्रम देखता हूँ मन में बहुत खुशी होती है। किसी भी क्षेत्र में पूरा जब भी आपका कोई कार्यक्रम आता है उसको देखते हैं और नए नए लोगों से उदयपुर में कौन कौन अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हैं, और बहुत खुशी की बात तो ये है कि जब बलीचा धाम का फर्स्ट वो ट्रैक्टर चोरी का जब हुआ था मामला, तो उसको इस उदयपुर चैनल ने सबसे प्रथम बताया था और सभी भक्तों के बीच में लगे थे, उसका आज भी धन्यवाद करते हैं और ता उम्र जितना, क्योंकि वो भक्तों के बीच में चमत्कार जाना चाहिए तभी भक्तों को इस चीज का होता है। और दूसरी बार आज जब आपने यहाँ पर आमंत्रित किया इसके लिए, आपका, आपके चैनल का और ये हेलो कार्यक्रम है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका कार्यक्रम वाकई में ज्ञानवर्धक होता है, सभी विद्यार्थियों के लिए ले लें और सभी उदयपुर वासियों के लिए ले, तो कुछ न कुछ ऐसी जानकारियां मिलती है जो उन्हें, उन जिनसे वो अवगत नहीं होते हैं। जैसे आज आपने ये किया तो अभी उमनासा के भक्तों का, यानी धर्म के प्रति वो भावुक होंगे और उस भावनाओं के साथ इस धर्म को अपनाएंगे, क्योंकि आज धर्म को जितना अपन धर्म के लिए करेंगे उतना धर्म हमारे लिए वापस पुनः देगा, क्योंकि यहाँ देना और लेना होता है। उसी प्रकार आप सदैव यही आशा रहेगी, इसी प्रकार के आयोजन करें और सभी उदयपुर वासियों को आप नई नई जानकारियां और नए नए औंधे तक ले जाने के एक अंदर इतनी इच्छा प्रबल करें कि वो बड़े से बड़े कार्य को पूर्ण कर सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी साहब। दोस्तों, था ये हमारी चर्चा आज श्री ओम बना साहब के ऊपर। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, जिनके पास जानकारी नहीं थी उनको भी आप आज डिटेल में नॉलेज जानकारी मिली होगी। इस कार्यक्रम को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर इस कार्यक्रम को आप फिर से देखना चाहें आप हमारे द्वारा बनाए गए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से कल देख सकते हैं। चैनल पर आप यूट्यूब चैनल ओपन करें, यूट्यूब अपना वेबसाइट ओपन करें, www.youtube.com, वहाँ पर आप टाइप करें
हेलो उदयपुर या फिर उदयपुर न्यूज चैनल हेलो उदयपुर की कई सारी सीरीज में इस कार्यक्रम को आप देखें, और साथ में आपके फीडबैक्स और आपके कुछ भी सुझाव अगर आप देना चाहें हमें बेहद प्रसन्नता होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले कार्यक्रम अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत और नए प्रोग्राम के साथ। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।